हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे नव भारती परिवार में। मैं हूँ प्रिया शर्मा और मैं आपको पढ़ा रही हूँ केमिस्ट्री। आज का जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन की कुछ टर्म्स, जो कि मैंने आपको बताई भी थी पहले। हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मोलैरिटी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मोलरता, मोलैरिटी। तो देखिए, मोलैरिटी को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हम करते हैं कैपिटल एम से, कैपिटल एम से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, मोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मतलब कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल जो है सॉल्यूट के वो डिसॉल्व हुए हैं, उसे ही हम क्या बोलेंगे, मोलैरिटी। ठीक है, लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लीटर है ना। और अगर आपके पास न्यूमेरिकल में ml में आ जाता है सॉल्यूशन, या वॉल्यूम जो आता है सॉल्यूशन का वो ml में आ जाए, तो आपको लीटर में उसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मोलैरिटी का आई होप आपको मतलब समझ में आ गया होगा। मैं इसका आपको फॉर्मूला बताती हूँ कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है। इक्वल टू मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हमारा पूरा फॉर्मूला बनके आता है। क्या रहा फॉर्मूला? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला रहा है। इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस जो है आपको देखने के मिलेंगे, तो हम एक न्यूमेरिकल अभी कर लेते हैं इससे रिलेटेड, मोलैरिटी जिसमें पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये रहा हमारा न्यूमेरिकल जो कि मोलैरिटी पे रिलेटेड है। क्या कह रहा है न्यूमेरिकल हमारा? कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 450 ml सॉल्यूशन। हमें क्या कह रहा है इसमें? हमें मोलैरिटी निकालनी है सॉल्यूशन की, और हमें क्या क्या दे रखा है, देखिए हमें क्या क्या दे रखा है। हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी सॉल्यूट का वेट दे रखा है, मास दे रखा है। ठीक है, और हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, वो भी ml में। तो देखिए, हमें मोलैरिटी का फॉर्मूला पता है। क्या था मोलैरिटी का फॉर्मूला? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट यहां पर क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर। तो हमें सबसे पहले इसके लिए क्या करना है? मोल्स निकालने हैं सॉल्यूट के, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के हमें मोल्स निकालने हैं। अब देखिए, मोल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? मोल को हम एन से भी डिनोट करते हैं। क्या चाहिए होता है? आपने 11th में पढ़ा है गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास चाहिए हमें, अगर हमें मोल निकालना है किसके? सोडियम हाइड्रोक्साइड के। तो देखिए, गिवन मास यहां पर क्या है? 5 ग्राम, 5 ग्राम हमारे पास गिवन मास है। और आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मोलर मास होता है, हम निकालते थे ना 11th में, हमने सीखा है इसे निकालना, कितना होता है? 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब इसका अगर हम निकालते हैं सॉल्यूशन कितना आएगा, ये 8 पर जाएगा, 5 8 40, और निकल के आ जाएगा 0.0125 मोल। ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया मोल ऑफ सॉल्यूट। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, इधर आप देखिए, वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का वो किसमें है? ml में है, और वो कितना है? 450 ml में है। अब हमें इसे क्या करना है? लीटर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 1000 से। ठीक है, और जैसे ही मैंने इसको डिवाइड किया 1000 से, ये पूरी क्वांटिटी किसमें चेंज हो गई? लीटर में। किसमें चेंज हो गई? लीटर में। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन करना, मोलैरिटी निकालना। सबसे ऊपर क्या लिखेंगे हम? मोल्स ऑफ सॉल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के, वो कितने हैं? 0.125
1 to 5 मोल अपॉन, हमारे पास वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का लीटर में, ये रहा ना, तो इसे लिखते हैं 450। ठीक है, अब जो ये 1000 है ये नीचे आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, इधर 1000 और इधर लीटर, क्या आएगा सॉल्यूशन 0.278 मोल पर लीटर। क्या आया हमारी वैल्यू 0.278 मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये हमारा मोलैरिटी निकल के आ गया। मोलैरिटी का जो अपना यूनिट होता है लिख सकते हैं कि 0.278 एम कैपिटल एम। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा, पूरा अच्छी तरीके से सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंसंट्रेशन की टर्म को, जिसको हम बोलते हैं मोलैरिटी, मोलैरिटी। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में मोललता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मोलैरिटी पढ़ना, जिसे हम हिंदी में मोललता भी बोलते हैं। मोलैरिटी पहले वाला था मोलैरिटी, अब वाला है मोलैरिटी। ठीक है, इसे हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते थे और मोलैरिटी को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो देखिए मोलैरिटी का मतलब क्या होता है बेसिकली, पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यहां पर ये सॉल्वेंट की बात कर रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैरिटी। मतलब कि कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। ठीक है, तो चलिए इसके फॉर्मूले की बात की जाए। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं मोलैरिटी को स्मॉल एम में, तो क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, ये हमारा पूरा फॉर्मूला बन के आता है। क्या कह रहा है फॉर्मूला कि मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यही बात हम कह रहे हैं कि भाई प्रति एक किलोग्राम में कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट के जो मोल्स हैं वो प्रेजेंट है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट के, है ना। तो आई होप आपको मोलैरिटी समझ में आई हो, आपको फॉर्मूला समझ में आया हो, और अब हम इससे रिलेटेड करेंगे न्यूमेरिकल, क्योंकि जितनी भी कंसंट्रेशन ऑफ टर्म्स हैं आपके इस चैप्टर में सब पे न्यूमेरिकल लगभग आता ही है बोर्ड में, किसी भी कंसंट्रेशन ऑफ टर्म्स से उठकर न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में आ जाएगा। तो चलिए मोलैरिटी का अब हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो देखिए ये रहा न्यूमेरिकल मोलैरिटी का। ठीक है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड एंड 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो देखिए बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, आपको मोलैरिटी निकालनी है किसकी, इथेनोइक एसिड की, जो कि किसमें प्रेजेंट है, 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में प्रेजेंट है, और खुद जो इथेनोइक एसिड की जो वेट दे रखा है, मास दे रखा है, वो दे रखा है 2.5 ग्राम। ठीक है, जो गिवन मास है सॉल्यूट का, क्योंकि इसमें जो सॉल्यूट होगा वो आपका इथेनोइक एसिड होगा और सॉल्वेंट होगा वो होगा बेंजीन। ठीक है, तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। हमें मोलैरिटी का यानी स्मॉल एम का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, और सॉल्यूट हमारे पास है इथेनोइक एसिड। तो चलिए निकालते हैं मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड इज इक्वल टू वही गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास क्या है हमारे पास, 2.5 ग्राम अपॉन इसका जो हमारे पास मोलर मास होता है बेसिकली, आपको इसका मोलर मास भी निकालना मैंने सिखाया है 11th में,
इलेवेंथ में ऑलरेडी आप सीख के आते हो, इसका जो मोलर मास होता है इथेनोइक एसिड का वो होता है 60 ग्राम, ठीक है, और ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल वैल्यू क्या जाएगी, 0.0417 मोल, ठीक है। अब हमें हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो देखिए आ चुके हैं, है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हमारे पास ऑलरेडी मास कितना दे रखा है, 75 ग्राम में दे रखा है, और हमें किसमें निकालना है, केजी में। तो क्या करेंगे, मास ऑफ बेंजीन कितना दे रखा है हमें ऑलरेडी, 75 ग्राम। जैसे ही मैं इसे, हमें इसे केजी में कन्वर्ट करना है, जैसे ही मैं इसे 1000 से डिवाइड कर दूंगी, ये पूरी टर्म किसमें आ जाएगी, केजीज में, ठीक है। अब ये 3 जीरो नीचे है, मैं इसे ऊपर ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, 10^-3, क्योंकि 3 जीरो थे। तो हमारे पास मास ऑफ बेंजीन यानी मास ऑफ सॉल्वेंट निकल के आ चुका है। अब हम लोग निकालते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने दे रखे हैं, 0.0417 मोल, ठीक है, और अपॉन में मास ऑफ बेंजीन इन केजी, या मैं बोलू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो क्या दे रखा है, 75 × 10^-3 एंड केजी, क्या निकल के आएगा, इसे सॉल्व करेंगे तब 0.556 मोल पर केजी, ठीक है, मोल पर केजी। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो मोलैलिटी होती है उसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी, मोल पर केजी। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से समझ में आया हो। तो आज हमारी जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स थी वो सारी जो है खत्म हो चुकी है। अब हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।